केजरीवाल को एमसीडी में मिला मौलानाओं का साथ, भाजपा खेमा हुआ परेशान। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की हो, लेकिन मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल से मुंह मोड़ लिया है। मुस्लिम समुदाय ने एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ रुख किया है, तो आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। दिल्ली की सियासत में खिसकते मुस्लिमों को साधने की कवायद आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है। दिल्ली डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को प्रत्याशी बनाकर मुस्लिमों को सियासी संदेश दिया, तो दूसरी तरफ पार्टी के मुस्लिम चेहरे अमानतुल्ला खान ने मौलानाओं के साथ मेल मिलाप शुरू कर दिया है। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान इन दिनों मुस्लिम समुदाय के तमाम उलेमाओं और इमामों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में उन्होंने दिल्ली के आधे दर्जन मौलानाओं के साथ अलग अलग बैठक की है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, तबलीगी जमात के मौलाना साद, दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी, फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम और जमात ए इस्लामी के चीफ सैयद सदातुल्ला हुसैनी से अमानतुल्ला खान मुलाकात कर चुके हैं। मुस्लिम उलेमाओं और इमामों से मुलाकात का सिलसिला अमानतुल्ला खान ने एमसीडी चुनाव के बाद शुरू किया है। ऐसे में उन तमाम उलेमाओं से मेल मिलाप शुरू किया है जिनका मुस्लिम समुदाय के बीच अच्छा खासा प्रभाव है। मौलाना साद से मुलाकात के पीछे माना जा रहा है कि तबलीगी जमात के लोगों में जो नाराजगी है उसे दूर किया जाए। ऐसे ही जमात ए इस्लामी और मौलाना अरशद मदनी के जरिए भी साधने की कवायद है, इसीलिए इन मुलाकात को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर मुस्लिम समुदाय की सोच बदली है। एमसीडी के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी से छिटकर कांग्रेस की ओर रुख किया है। इसी का नतीजा है कि ओखला, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, शास्त्री पार्क जैसे मुस्लिम इलाके में मुसलमानों ने कांग्रेस के प्रति भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी मुसलमानों के सियासी मूड को देखते हुए उन्हें अब साधने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर का कैंडिडेट बनाया है और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के लिए आमिर मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल के भरोसेमंद और पार्टी के मुस्लिम चेहरे अमानतुल्ला खान ने दिल्ली के बड़े मुस्लिम उलेमाओं और इमामों के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।